अंबा के अस्पताल में जुड़ रही हैं और साथ ही साथ मुरैना का भी जो हमारा अस्पताल था, अब यह अस्पताल 600 बेड का अस्पताल हो गया है। तो आज ये 600 बेड का अस्पताल बनके पूरी तरह तैयार है, इसका लोकार्पण अभी संपन्न होएगा और हम सब लोगों को एक तौर से राज्य शासन के माध्यम से यह बड़ी सौगात मुरैना जिले के लोगों को मिली है। मैं इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आज बामौर में भी कार्यक्रम हो रहा है और पटिया वाले महाराज जी पर भी अस्पताल बन के तैयार हो गया है, लेकिन वो भी ग्रामीण क्षेत्र में है इसलिए वहाँ कार्यक्रम संपन्न नहीं हो पा रहा। आज इसी अवसर को ध्यान में रखते हुए 51 करोड़ रुपए की लागत से जोरा की पेयजल योजना का भी शुभारंभ हो रहा है, यह भी हम सब लोगों के लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। कल मैं श्योपुर जिले में हूँ, श्योपुर और बड़ेवा दोनों को मिला लें तो लगभग 160 करोड़ रुपए की पेयजल योजना का भूमि पूजन कल श्योपुर में मैं और मुख्यमंत्री जी रहने वाले हैं। हमारे जिले में जोरा है, अंबा है, मुरैना है, यहाँ तो पानी का प्रबंध हो गया है लेकिन अभी पोरसा और सबलगढ़ शेष बचा है। मुरैना के लिए पेयजल योजना मंजूर हो गई है, टेंडर हो गए, कुछ काम बचा हुआ है वो जैसे ही पूरा होगा ऐसी ही पेयजल योजना का शुभारंभ होएगा। मुरैना के क्षेत्र में हम सब लोगों को मालूम है कि एक जमाना था जब मुरैना नगर पालिका हुआ करती थी, आज मुरैना नगर निगम बन गया है और नगर निगम बनने के कारण मुरैना का स्तर भी बढ़ा है और इसीलिए भी बहुत सारे शहरों में सीवर लाइन नहीं है लेकिन अमृत योजना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाई, जिस योजना के माध्यम से जिन शहरों में पीने के पानी का साधन नहीं है या सीवर योजना नहीं है उन शहरों के लिए योजना बनाई गई है। तो हमारे यहाँ सीवर का काम मुरैना में पूरा हुआ है, पेयजल का काम आने वाले कल में पूरा होगा तो मुरैना के लिए यह बड़ा काम निश्चित रूप से और बड़ी सुविधा मुरैना के क्षेत्र की जनता के लिए हो जाएगी। देश में महामहिम राष्ट्रपति जी की उपस्थिति में जितनी भी संरचनाएं नगरी क्षेत्र की हैं, जैसे मुरैना में कार्यक्रम हो रहा है ऐसे ही पूरे राज्य में अनेक स्वास्थ्य संबंधी संरचनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण संपन्न हो रहा है। इस अवसर पर मैं आप सबको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और साथ ही साथ पूरे प्रदेश की जनता को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और इस मौके पर मैं महामहिम राष्ट्रपति जी का मुरैना जिले की जनता जनार्दन की ओर से हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जब भी मुरैना के लिए कोई बात होती है तो लगातार प्राथमिकता के तौर पर मुरैना के क्षेत्र की मांग को मंजूर किया जाता है। पिछले दिनों आप सब ने निर्माण कार्यों को भी देखा होगा, चाहे वो विद्यालय बनाने का मामला हो, चाहे सीएम राइज स्कूल बनाने का मामला हो, चाहे सड़कों का मामला हो, चाहे टूरिज्म को विकसित करने का मामला हो, चाहे उसेत और पिनाट का
पुल बनाने का मामला हो, चाहे अटार घाट पर पुल बनाने का मामला हो, चाहे नेपरी और सिकरौदा पर पुल बनाने का मामला हो, चाहे अंदर के क्षेत्र में अनेक विकास के काम कराने का मामला हो, हमेशा राज्य सरकार का दृष्टिकोण मोरेना के प्रति, चंबल के प्रति बहुत ही सकारात्मक रहा है। और जब चंबल एक्सप्रेस वे का काम शुरू होगा और जब 8000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार का इस चंबल के बीड़ों में लगेगा तो चंबल की तकदीर भी बदलेगी और चंबल की तस्वीर भी बदलेगी। आज यह कार्यक्रम हम सबके लिए बहुत गरिमापूर्ण कार्यक्रम है। मैं इस कार्यक्रम में आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अब भोपाल का कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है, हम सब लोग मर्यादाओं का पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।